सीखे ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में बताएंगे मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को बनाए हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे उत्पन्न इस धरती पर किए हैं, उनके बारे में जानते हैं। जब यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया था, तब भूमि पर कोई झाड़ी न थी और न मैदान की कोई हरियाली उगी थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और न कोई मनुष्य भूमि पर काम करने के लिए था, परंतु भूमि से कुहासा उठकर सारी पृथ्वी को सींचता था। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। फिर यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक बाग लगाया और वहां उस मनुष्य को रखा जिसे उसने रचा था। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से हर प्रकार के मनभावने और खाने योग्य वृक्ष उगाए, और बाग के बीच में जीवन का वृक्ष है और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। और अदन से एक नदी निकलकर बाग को सींचती थी और वहां से चार शाखाओं में विभाजित हो जाती थी। पहली का नाम पिशोन है, ये वही है जो हवीला की सारी भूमि को घेरे हुए है, जहाँ सोना है और उस भूमि का सोना अच्छा है, वहाँ मणि और लाल रत्न भी हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है, ये वही है जो कूश की सारी भूमि को घेरे हुए है। तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है, ये वही है जो अश्शूर के पूर्व से बहती है। चौथी नदी का नाम फरात है। यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य को लेकर अदन की बाग में रखा कि वह उसकी खेती और देखभाल करे, और यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य को आज्ञा दी, तू बाग के हर वृक्ष का फल बिना रोक टोक खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब वन पशुओं और आकाश के सब पक्षियों को रचा और उन्हें आदम के पास लाया कि देखे वह उनका क्या नाम रखता है। और जैसा आदम ने सब जीवित प्राणियों का नाम रखा, वैसा ही उनका नाम हो गया। आदम ने सब घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और वन के सब जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई सहायक नहीं मिला जो उसके योग्य हो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम पर गहरी नींद डाली, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसका स्थान मांस से भर दिया। और यहोवा परमेश्वर उस पसली से एक स्त्री बनाई और उसे आदम के पास लाया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और वे दोनों अर्थात आदम और उसकी पत्नी नंगे थे, परंतु उन्हें लज्जा न आई। ये शास्त्रवचन मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, जिसमें परमेश्वर ने पहले आदम को मिट्टी से रचा और फिर उसकी पसली से हवा की रचना की। इन वचनों से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की रचना परमेश्वर के स्वरूप में की गई थी और उन्हें पृथ्वी पर अधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया। सबको जय मसीह की। थैंक्स।